एक तारीख को शाम को करीब 7:30 बजे मेरे बेटा घर पे आया। वो अचेत अवस्था में घर पे आकर अचेत हो गया और उसका बाईं तरफ का हिस्सा काम नहीं कर रहा था। उसको हमने तुरंत टैक्सी में बिठा के इधर उधर एक दो चिकित्सालय में लेके गए, लेकिन वहाँ उचित प्रबंध नहीं मिल पाया। फिर डॉक्टर साहब दीपक सिंह वंगानी जी, जो कि जयपुर इंडस में हैं, उनके लिए लोगों ने कहा। फिर हमने तुरंत यहाँ मानसरोवर में आए और जयपुर इंडस में भर्ती कराया। डॉक्टर साहब ने अपनी कुशलता से उसको अच्छी तरह से ठीक कर दिया है और वह अच्छी तरह बोलने लग गया है और सकुशल है। मैं डॉक्टर दीपक अंगानी, न्यूरो सर्जन इंडस जयपुर हॉस्पिटल मानसरोवर। सुजीत कुमार जी के पेरेंट्स ने मेरे से संपर्क किया था उस दिन शाम को। ये बेहोश की हालत में था, इनको मैंने अपने यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। मेरे यहाँ हमारे यहाँ पे न्यूरो सर्जरी की कंप्लीट फैसिलिटीज़ हैं, तो तुरंत हमने इनका मैनेजमेंट किया। ही वॉज अनकॉन्शियस, टोटली बेहोश थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। इनको बहुत भयंकर हेमरेज था जिसमें बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं होती है, जिनका स्कैन मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब एडमिशन के टाइम कैसा था और आज की डेट में कैसा है। इनको हमने बिल्कुल कंजर्वेटिवली मैनेज किया। 5-7 दिन बाद इनकी हालत ज़्यादा गंभीर हो गई, इनको वेंटिलेटर पर लेना पड़ा। 2-3 या 4 दिन वो वेंटिलेटर पर रहे और धीरे धीरे हमने को वेंटिलेटर से वीन ऑफ करके हटाया। अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हैं। इनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल आ गया है और कोई बुखार वगैरह नहीं है, सब कुछ ठीक है। स्कैन में भी काफ़ी बेटर है। सुजीत कुमार जी से बात करके देखते हैं। सुजीत जी कैसा है बताओ? बिल्कुल कंफर्टेबल सर। आपको कोई प्रॉब्लम है आज? नहीं सर। हैं? नहीं सर। सिर में दर्द वगैरह है, उल्टी? नहीं सर, नहीं। हाथ ऊपर उठा के दिखाओ, पैर मोड़ के दिखाओ, पैर वैर मोड़ के दिखाओ। वो हाथ कम उठ रहा है आपका? है हाँ। उठाओ, कोशिश करके उठाओ। ठीक हो बिल्कुल आप? बिल्कुल सर। खाना पीना खा पा रहे हो? हाँ। जीभ दिखाओ। अच्छा ठीक है, बंद कर दीजिए। ठीक है आप? अभी कोई और प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बच्चा बहुत सकुशल हो गया है और एकदम बातचीत करने लग गया है और एकदम बढ़िया स्थिति में। ये हमारे ICU की टीम है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने पूरा साथ दिया इसको मैनेज करने में। आई एम डॉक्टर निधि, इंडस हॉस्पिटल ICU क्रिटिकल केयर टीम, एंड देन साथ में हितेश बॉस। ये सब हमारे स्टाफ हैं, ये डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे भी, इनको सबको थैंक यू है, इन्होंने बहुत अच्छी केयर की हमारे पेशेंट की। आई एम डॉक्टर हितेश, क्रिटिकल टीम इंडस हॉस्पिटल जयपुर। ये जब आए थे तो अनकॉन्शियस स्टेज में थे, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस थी और उसके बाद ये बीच में वेंटिलेटर पे भी रहे हैं। इनको बिल्कुल होश नहीं था, आए तब इनको कुछ भी नहीं पता था, अभी सब कुछ याद आ गया है। बिल्कुल वेंटिलेटर वीन ऑफ कर दिया गया है, बाकी काफ़ी अच्छी कंडीशंस में है। ये सब कुछ सर की गाइडेंस में, वंगानी सर की गाइडेंस में, बाकी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। बाकी सब तो अटेंडेंट ने आपको बताया ही है। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये पेशेंट सुजीत, उसकी ये CT स्कैन है, जब ऑन एडमिशन 6 तारीख का, इसमें इंट्राविंटिकल हेमरेज था सीवियर, राइट एंड लेफ्ट वेंटिकल दोनों भरे हुए हैं हेमरेज से, बेसल गैंग्लिया ब्लीड हुआ था, दैट एक्सटेंड टू वेंटिकल्स, दिस इज ऑल, फोर्थ वेंटिकल पूरा हेमरेज से भरा हुआ है। आज टुडे वी आर शिफ्टिंग हिम फ्रॉम ICU, टुडे स्कैन इज दिस, हेमेटोमा इज रिजॉल्विंग, ऑल वेंटिकल्स गेटिंग क्लियर, फोर्थ वेंटिकल पूरा क्लियर हो गया है इसमें। ये आज की स्कैन है, बेटर है।